अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। वेलकम टू उस्ताद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड वर्किंग इन कंप्लीट थ्री बेसिक फंक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर पर जो भी हम काम करते हैं वो तीन बेसिक फंक्शंस के ऊपर जाकर कंप्लीट होता है। नंबर वन फंक्शन है इनपुट, नंबर टू प्रोसेस एंड नंबर थ्री आउटपुट। ये तीन प्रोसेस कैसे काम करते हैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। आपने ये एक इमेज ओपन करनी है। इमेज ओपन करने के लिए आप अपने माउस का कर्सर इस इमेज के आइकॉन पर लेकर आएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को टू टाइम्स क्लिक करेंगे। माउस के लेफ्ट बटन को टू टाइम्स हम इस इमेज के आइकॉन पर जो क्लिक कर रहे हैं ये हमारा डेटा इनपुट है, यानी कि डबल क्लिक करने का मकसद ये है कि इस फाइल को हमने ओपन करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका डेटा प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस में इस फाइल के ऊपर चेकिंग होगी। अगर इस फाइल में कोई एरर होगा तो आपके सामने एक एरर मैसेज आ जाएगा, और अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरीके से आपके सामने डेटा प्रोसेस होकर जो कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर सारी वर्किंग हो रही होती है। आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब इनपुट करते हैं तो वो इन तीन स्टेप्स के ऊपर या इन तीन फंक्शंस के ऊपर ही काम कर रहा होता है। पहले डेटा इनपुट होता है, वही इनपुट किया हुआ डेटा आपका प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट।